Okay, so welcome back in the last day, second session. So till now we have done one pedagogy and we have understood what type of activities, what should be the lesson plan and many different things. ये सब हमने समझा कि lesson plan कैसे होना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें NEP में लेनी चाहिए और हमने activity based learning और play way method देखा था और अभी हम activity based learning देख रहे थे. So I'm sharing the screen once again with you. हम activity based learning की क्या importance है, क्या इसका significance है, ये देखते हैं. So मैंने आपको बताया था कि activity based से बच्चे जब activity के अंदर घुसते हैं, activity करते हैं तो वो याददाश्त उनकी मजबूत होती है. We remember that yes we have done this activity, right? उसी तरीके से बच्चा एक तो ये होता है कि हमने किया था, दूसरा जो बच्चे का फोकस होता है सेल्फ डिपेंड बनता है बच्चा. बिकॉज विद एन एक्टिविटी वी टीच देम लर्निंग बाय डूइंग देयर ओन सेल्फ, वो स्वयं काम करना सीखते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग. ओके, तो ये होता है. नेक्स्ट, डेवलपमेंटल स्किल्स बच्चों के डेवलप होते हैं, सोशली बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि व्हेनेवर अ चाइल्ड इज डूइंग एन एक्टिविटी इन द क्लास द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, ये जरूरी है. अगर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हो तो आपको कैसे करना है, ये उसका एक पूरा चार्ट दिया हुआ है. इफ यू वांटिंग यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द सेम. आप इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं. Yes, it's showing me that my net is not stable. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so decide instructional goals. Understand the learner's cognitive level and characteristics. सबसे पहले तो आप decide करो कि आपको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है और क्यों करना है एक्टिविटी. तो मतलब आप पहले डोमेन डिसाइड करो कि इन विच डोमेन आई विल बी अचीविंग इफ आई डू दिस एक्टिविटी. ठीक है, तो पहले तो डिसाइड करो. सेकंड, अंडरस्टैंड द लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल, मतलब लर्नर का लेवल क्या है. PS1, PS2, PS3, नर्सरी में LKG, UKG, मतलब 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटल लेवल होगा ना कि भाई 3 साल का बच्चा ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. ओके, अब 3 साल के बच्चे के लिए आप सीधा उसको ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं करा पाओगे कराओगे कि मतलब वो डायरेक्टली 6 फीट या 8 फीट जंप कर ले. ठीक है, 3 साल का बच्चा मैक्सिमम 1/2 फीट जंप कर पाएगा, आधा फीट, इससे ज्यादा 3 इयर्स का बच्चा नहीं जंप कर पाएगा. सो उनके जो लेवल है, जो थिंकिंग लेवल है, उसको भी आपको सोचना है कि सोच के बच्चे इतना बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज बच्चों के लिए प्लान करें. नेक्स्ट, कंसिडर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे आपको कराना है वो समझना है. फिर नो द टाइम अवेलेबल फॉर अचीविंग द इंस्ट्रक्शनल गोल्स. इंस्ट्रक्शनल गोल्स अचीव करने के लिए बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहते हो उसके लिए आपके पास कितना टाइम आपको देना, हाउ मच टाइम द चाइल्ड कैन गिव एंड चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड. एबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब कि टीचर्स के साथ मिलजुल के बच्चों के साथ करना या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस यानी टॉयज, राइट. तो टॉयज के साथ में बच्चों को एक्टिविटीज करानी है या प्रॉप्स हो गए या कुछ टीचिंग एड्स पपेट्स हो गए, दीज आर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब टीचर खुद मिलजुल के बता रहे हैं या 2 टीचर्स मिलके कर रहे हैं, 3 टीचर्स मिलके कर रहे हैं या बच्चों को इन्वॉल्व लेके कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, सिलेक्ट और डिजाइन अ सूटेबल एक्टिविटी. फिर आप अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट करो कि यस हम ये कराएंगे. प्रिपेयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट इन द क्लास, फिर उसकी पूरी प्रेपरेशन करो कि इसके लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है. देन प्रोवाइड फॉर लिंक बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड प्रीवियस नॉलेज, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जो हम बच्चे का पहले का नॉलेज है उस नॉलेज से ही आपको बच्चे को नई एक्टिविटी करानी. ऐसा नहीं है कि हमने न्यू एक्टिविटी करा दी, इस प्रीवियस नॉलेज से ये कुछ लिंक नहीं करता. तो ऐसी अगर आप कुछ एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे को जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू लिंक द चाइल्ड एक्टिविटी विद द प्रीवियस नॉलेज. ओके, नाउ इम्प्लीमेंट इट इन द क्लासरूम. फिर आपको उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कीजिए और उसका फॉलोअप लेते जाइए. This way you will be using the activity based learning. Okay, so these are the different methods. क्या क्या चीज आप ABL में use कर सकते हैं activity based learning में.
यू कैन डू ड्रामेटाइजेशन. ये मैंने बठिंडा में एक क्लास लिया था, उसमें भी ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था. ओके यस, ड्रामेटाइजेशन आप यूज कर सकते हैं. देन क्विज, ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्ले, एजुकेशनल गेम्स, brainstorming, problem solving, ऐसे methods आप use कर सकते हैं. If you want, you can take the screenshot of this so that you get an idea कि आप activity based learning में क्या क्या चीजें कर सकते हो. This is given by the APPS curriculum, उसी में दिया गया. ये NEP में बस बताया था कि activity based learning करनी है, तो उसको कैसे करना है इसको elaborate करके APPS में बताया गया. Okay? नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट द डेवलपिंग एक्सपीरियंसेस. ओके, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग, ये सारी चीजों को डेवलप करना. अब इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको. सी स्मॉल, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जानने से पहले हमको ये समझना है कि हु इज माय लर्नर. माय लर्नर इज ऑफ 3 to 6 इयर्स ओल्ड. बराबर, ऐसे इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी क्वेश्चन ओरिएंटेड चिल्ड्रन. बराबर, उनके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं. दे ऑलवेज टेंड टू आस्क यू, ऐसा क्यों होता है, ये करने से क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, आप अभी क्यों कर रहे हो, आप इधर इतने देर तक क्या कर रहे थे, तो ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. राइट, छोटे छोटे बच्चे है ना, मैम आप कल क्यों नहीं आई थी, अगर एक दिन भी एबसेंट हो गए, कोई पूछे ना पूछे बच्चे आपसे जरूर पूछेंगे. बच्चों ने आपसे प्यार से बोला गुड मॉर्निंग मैम, और अगर आपने आंसर नहीं किया तो बस फिर बच्चे बार बार आपको बोलेंगे. जब तक आप बोल नहीं देते तब तक वो बोलेंगे मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग. जब तक आप उनको बोल नहीं दोगे तब तक वो बोलेंगे. दैट मीन्स दे वेट फॉर यू. ओके, एंड दे ऑलवेज आर इंटरेस्टिंग, एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द टीचर टू जस्ट आंसर टू दैट क्वेश्चंस ऑलवेज. तो क्या होता है कि इनके दिमाग में है ना इंक्वायरीज बहुत होती है छोटे बच्चों की, और इनके इन्हीं गुणों को लेकर एनईपी कहता है कि अगर बच्चों के मन में सवाल है तो उन सवालों को चुप नहीं करा के उन्हीं सवालों के माध्यम से बच्चों को समझाया. ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ. जैसे अगर आप बच्चों को जर्मिनेशन ऑफ सीड ये सिखाना चाहते हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सिखाना चाहते हो जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो इसके लिए क्या करोगे आप बच्चों को, सीड्स जो है आप ऐसा करना, टेबल के सामने बच्चों के आने से पहले टेबल पे एक बाउल में पानी रख लो, एक बाउल में सम सीड्स, मूंग रख लो, चने रख लो या जो भी कुछ है, एंड देन फिर मिट्टी रख लो, और ये सारी चीजें करने के बाद में आप उसको टेबल पे रख दो और बैठ जाओ एंड डोंट से एनीथिंग. बच्चे आएंगे ना क्लासरूम में, सबसे पहले उनके टेबल पे ये ठीक, आज ना मैम ने कुछ रखा है नया नया, मैम ना आज कुछ लेकर आई. फिर उसमें से एक बच्चा जरूर आएगा, मैम ये क्या है, मैम आज हम क्या सीखने वाले हैं, मैम आप इसमें क्या करने वाले हो, एंड डोंट आंसर टू एनी क्वेश्चन. आप उनसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब उनको खुद ही क्वेश्चन करें और खुद ही उसका आंसर करें. ठीक है, दिस इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. उनके क्वेश्चन का आंसर ना देकर उनके क्वेश्चन को इस तरीके से आप घुमाएं कि वो उसका आंसर भी स्वयं दे. ठीक है, तो अगर वो पूछ रहे कि मैम ये क्या है, आप उनसे बोलो बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, अच्छे से पूछना है. ठीक है, तो मैम ये तो मैं खाता हूँ, क्या, चने, हाँ तो आज हम ये चने के एक पौधा लगाएंगे. ठीक है, वाह मैम इसको कैसे लगाते हैं, बच्चा खुद पूछेगा मैम इसको कैसे लगाते हैं, मतलब अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे लगाते हैं. आपके बोलने के बजाय आपको बच्चों को प्रेरित करना है, उनकी इंक्वायरी को क्लियर करना है. दिस इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. वी ऑल अंडरस्टूड वेयर एंड व्हेन डिड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बिगिन्स. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कब बिगिन होती है, वो बिगिन होती है जब बच्चों के दिमाग में कंस्ट्रक्टिविस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है. फॉर दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड द पियाजेट थ्योरी. ठीक है, सो इंक्वायरी की एक्टिविटीज करना है. नर्सरी टीचर को इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंक्वायरी मेथड.
मेथड ऑफ अ चाइल्ड, उनके बच्चों के क्वेश्चन से गुस्सा नहीं होना, हमें बच्चों के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना. सो दिस इज द जीन पियजेट थियोरी, जहाँ पे चार स्टेजेस है. आपने बीएड किया होगा तो उसमें भी समझा होगा. तो यहाँ पर देखिए चार स्टेजेस है. फर्स्ट है सेंसरी मोटर. सेंसरी मोटर में क्या होता है, गोल बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है, 18 महीने से 24 महीने तक का बच्चा, यानी 2 साल तक का बच्चा, 1.5 साल से 2 साल तक का बच्चा, ये बच्चे को ना चीजों से ज्यादा लगाव. एंड देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, दिस इज द सिम्बॉलिक पार्ट. हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे आते हैं. ये बच्चे जो होते हैं हमें नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है. आवाज बहुत ब्रेक होते हैं. वॉइस इज ब्रेकिंग. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योर डिवाइसेस. किसी ने भी अनम्यूट किया होगा तो आवाज ब्रेक होगा. ठीक है, यस, ओके. सो प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज मींस ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे जो है जो थॉट्स है, सिंबॉलिक थॉट्स है, इसको ज्यादा प्रेरित करते हैं, मतलब सिंबल्स को ज्यादा समझते हैं, क्वेश्चन ज्यादा पढ़ेंगे. हमारे पास ये प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज के बच्चे रहते हैं. फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी होते हैं, 7 years to 11 years. ये 3rd to 4th class के बच्चे होते हैं, उसके ऊपर वाले 8th तक. फिर फॉर्मल ऑपरेशन से एडोलेसेंस पीरियड में 8th के ऊपर वाले बच्चे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी डू इंक्वायरी. ठीक है, ये कैसे क्या करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स है. सो वी आर नॉट एंटरिंग इनटू इट. दिस इज वन मोर टाइप ऑफ लेसन प्लान. ये यहाँ पे थीम बेस्ड लेसन प्लान है. थीम वाला मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सर्कल वाला. प्ले वे और थीम दोनों ही उसपे आ गया. सो दिस इज ऑल्सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग रिसोर्सेज, प्री रिक्विजिट यानी प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, लर्निंग स्ट्रेटेजीज, क्या क्या स्ट्रेटेजीज से आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. ओके, एंड देन यहाँ पर ये इस तरीके के थीम से आप पढ़ा सकते हैं. दिस इज अ थीम बेस्ड लर्निंग. ओके, अब यहाँ पे सर्कल वाला क्वालिटी सर्कल टाइम, QCT इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटी सर्कल टाइम. ये एक नया इम्प्लीमेंट किया गया है QCT. ओके, प्ले वे में, प्री स्कूल में. ओके, so these are some types of pedagogies, theme based, activity based, inquiry based. बच्चों का जो question है उनको resolve करना है. See, this is the theme based. यहाँ पर हमारा बच्चों का language building है, इसको develop करना है. Now this is experiential learning. ये हमारा last है pedagogy, जिसमें बच्चों के experiential learning जो है इसको हम understand करेंगे. बच्चे खुद करे. experiential learning and activity based learning is one and the same with discovery method. discovery मतलब बच्चा खुद explore करे, चीजें discover करे. देखिए यहाँ पे जो points आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये एक्सप्लोर एंड डिस्कवर थिंग्स. ठीक है, इंडल्ज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फाइंड यूनिक एप्लीकेशंस, असिमिलेट एंड मेक कनेक्शंस. तो ये सारी चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट होती है, राइट. सो ये सारी चीजें बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में और सारी चीजों में बच्चों को हमें कराना होता है. दिस इज फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, यस. सो ये हो गया. ये तो जिन्होंने दिया हुआ है उनसे ही देखो. यहाँ पर भी सर्कल का ही एग्जाम्पल दिया गया एक्सपेरिमेंटल में. सब जगह सर्कल का एग्जाम्पल दिया हुआ है. यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन. ठीक है, बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी और बच्चों की एनालिसिस, ये सारी चीजें बच्चों की डेवलप होंगी. ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन से. अगर हम फिजिकल डोमेन इसमें अचीव करते हैं, बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन, सिमेट्री, ये अटेन होगा. लैंग्वेज डोमेन, ये अटेन होगा. मोटर डोमेन, इमोशनल एंड सोशल डोमेन, ये सारी चीजें डेवलप होंगी. दीज आर सम एक्टिविटीज. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स. तो ये थीम बेस्ड लर्निंग. ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडागोजीज आर देयर कि हमको बच्चों को जो है ना, पेडागोजीज इतने डिफिकल्ट नहीं है, जैसा नाम है वैसा करना है. देखिए यहाँ पे ईवीएस में ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पे गोल्डीलॉक्स की स्टोरी के माध्यम से बच्चों को ईवीएस का टॉपिक ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखिए
So this is also one type of lesson plan which can be implemented. दो तीन टाइप के लेसन प्लान है. ये देखिए थीम बेस्ड लेसन प्लान. यहाँ पे देखो एक्टिविटी आप कौन सी करा रहे हो, इससे बच्चों के लर्निंग आउटकम क्या होगा. यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया इधर, डोमेन्स लिख दिया. ठीक है, और यहाँ एक्टिविटी कौन सी करा रहे हो, इससे क्या लर्निंग आउटकम होगा, कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज करोगे आप, ये दोनों आपका और इधर बच्चों का, और कैसे असेस करोगे. तो एक ही थीम में बच्चों की लैंग्वेज कैसे डेवलप करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, फिजिकल, ये दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, ये पूरा एग्जाम्पल है फॉर थीम बेस्ड लेसन प्लान. ठीक है, अब यहाँ से इमर्जेंट लिटरेसी आ गया. इमर्जेंट लिटरेसी वी आर नॉट टेकिंग इन दिस पार्ट. ओके, सो यहाँ था हमने लेसन प्लान वगैरह ये सब आपको बता दिया, और आपको मैंने थीम भी सारे पेडागोजीज भी बता दिए. ओके, सो हियर वी एंड अप विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चीजें बेसिकली आई थी वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है. आपको बस इसी चीज पे ध्यान देना है कि तीन गोल्स है, तीनों गोल्स के अंदर इंडिकेटर्स है और 7 डोमेन्स है. ठीक है, गोल 1, गोल 2, गोल 3. गोल 1 इज टू मेंटेन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, गोल 2 इज टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एंड गोल 3 इज टू be an involved learner, to make the child an involved learner. Goal 1 is having 7 indicators, goal 2 is having 4 indicators, goal 3 is again having 7 indicators. और इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए हमें बनाना है lesson plan, हमें बनाना है time table, हमें बनाना है curriculum, हमें बनाना है syllabus. ठीक है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस होता है. करिकुलम मतलब ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट पे फोकस करना, सिलेबस मतलब ओनली लर्निंग पे फोकस करना. ठीक है, पूरा एनईबी हमें यही बताता है कि हमें क्या करना है. एंड द मेन थिंग ऑफ एनईबी इज दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज गिवन अ डिफरेंट एजुकेशनल मोड, दैट इज 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 कर दिया है, जिसमें 5 इज द फाउंडेशन स्टेज एंड 3 इज द प्रेपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 इज द मिडिल स्टेज, और फिर उसके बाद में जो 4 वाला है वो तो ऊपर कॉलेज वाला स्टेज आ गया अपना. ठीक है, सो 5+3+3+4 का जो मेथड है वो हमको करना है. या आई विल सेंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स टुडे टू योर क्लास टीचर्स. ओके, डोंट वरी, आज मैं सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भेज दूँ. या सो आई विल स्टॉप दिस प्रेजेंटेशन नाउ.